पश्चिम बंगाल में कोलाघाट आयोजित बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत, टीएमसी पर बोला हमला। टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। पीएम मोदी ने कोलकाता में हो रही G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की तीसरी और अंतिम बैठक को किया संबोधित, कहा भारत की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति। इंडिया हैज अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस। आज मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सड़क और रेलवे परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। गुजरात दौरे पर देर रात भुज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ की कई योजनाओं की करेंगे शुरुआत। सीमा पर दुश्मनों से निपटने और आतंक की सफाई के लिए एयरफोर्स ने उठाया बड़ा कदम, श्रीनगर में MiG-29 तैनात, एयरफोर्स की करुण स्पेशल फोर्स ने भी संभाला मोर्चा। नागपुर में बीजेपी नेता सना खान की हत्या मामले में आरोपी अमित शाह को आज नागपुर की कोर्ट में करेगी पुलिस पेश, सना के शव को तलाशने के लिए जबलपुर की हिरण नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू। आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जा रही सोहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन के दो कोच में बिजली गुल होने पर यात्रियों ने किया हंगामा, टीटी को टॉयलेट में किया बंद, एसी ना चलने से बच्चों की बिगड़ी तबीयत। राइजिंग इंडिया में एक मंच पर आधी आबादी का दम, न्यूज 18 इंडिया के शी शक्ति में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंच पर किया आशा भोसले का सम्मान। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देशहित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।